देखिए नसीम, इस वक्त मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब और सदर सबक सदर अमेरिका के हैं वो जो ट्रम्प साहब है, क्या वो नोट से चेंज तो नहीं कर रहे? मुझे तो यहाँ की पॉलिटिकल और अदलिया के दरमियान जो सूरत हाल है, अगर आप वहां से कंपेयर करें तो मुझे बड़ा नजर आती है। लेकिन दैट सेड, देखिए इस मुल्क में देखिए ना, आपको रिलीफ मिल जाता है, फाइल नहीं मिलती, आपको तशद्दुद जो तशद्दुद करने वाले हैं या दहशतगर्द जिनको आप कहते हैं वो नहीं मिलते, लेकिन आपको असलाह मिल जाता है। इस मुल्क में इंसाफ मिलता है, लेकिन जो है दूसरों के लिए नहीं मिलता। बट मुल्क में एक सिलेक्टिव निजाम चल रहा है। लेकिन मैं ये बड़ी माजरत की बात कहना चाहूंगी, लेकिन कानून और आइन का पास रखा किसने? हमारी मौजूदा हुकूमत ने रखा है। और ये अदलिया अगर उनको फेवरेटिज्म नजर आ रहा है भाजपा साहब के रिलीफ में, तो बिल्कुल वो मौजूद है। और आप जो बार बार एक आईनी तलवार लटका के और एक कानूनी जो बेसाखी है उसको पकड़ के, अगर हमारी हुकूमत ये समझती है कि वो कार्रवाई कर सकती है, तो अब तक क्यों नहीं हो कर पाई है? ये जो अदलिया के पीछे छुपने की बात है, ये अदलिया के पीछे से निकल कर आए। इनकी जो इंतजामी कार्रवाई है ये तब से शुरू होती है जब से राणा सलाल साहब गुफ्तगू करते हैं, जब से वो वजीर दाखिला बने हैं। हमने ये सुना है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा और फिर इमरान खान साहब के साथ क्या किया जाएगा। कभी रिहैबिलिटेशन सेंटर का जिक्र होता है, कभी जेल में हम ये नहीं देंगे, कभी हम वो नहीं देंगे, कभी मेडिकल टेस्ट कराए, कभी ब्लड टेस्ट कराए। मतलब अगर आपने किसी को अदालती तौर पर उसके खिलाफ केसेस हैं और उसके खिलाफ आप केसेस बना रहे हैं, तो या तो आप अदालतों को फैसला करने दें, फिर आप अपने थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करिए। लेकिन ये मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये जो एक मुअम्मा बन गया है इमरान खान साहब का रेस्ट, और उसके लिए किस हद तक जाना है रियासत से। और इस पूरी फिल्म में एक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के पीछे पूरी रियासत को आपने एक्सपोज कर दिया है, उसको वल्नरेबल करा दे दिया है। एंड दैट इज नॉट इन एनी वन फेवर, ना इमरान खान साहब की फेवर में है, ना ये बहुत अच्छा हुकूमत के फेवर में है, ना ये हमारे वजीर दाखिला के फेवर में है, या ना ये लंदन के प्लान जो बना रहे हैं उनके फेवर में है, ना ही मरियम साहब अगर शुरू करनी है उनके फेवर में है। अगर आपने इलेक्शन लड़ने हैं उनसे पहले जमात को आपने दहशत बताना है, ये देखिए नसीम, ये हम सबको पता था कि गिरफ्तारी हो सकती है, 5 मिनट हो सकती है, तो क्यों नहीं हो रही? पूरी रियासत गैरतमाल क्यों बनी हुई है? पूरे स्टेट के इदारों का मजाक क्यों बना रहे हैं? वो हर किसी को अब अपनी पड़ गई है, इदारों को भी अपनी साथ बनवानी है, आपकी अदलिया को भी अपनी साथ रखनी है, आपके हुक्मरानों को भी अपने अपने आपके सामने है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरी अफसा में वी हैव लेट द होल मैटर गेट अवे फ्रॉम आवर हैंड्स। और जब ऐसा होता है तो फिर कोई कानून और आईनी और कानूनी रास्ता नहीं होता। जब आप हर काम गैर आईनी और गैर कानूनी करते हैं और फिर आप आईन और अदालत से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको बचा ले, तो ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। अदलिया फैसले गलत दे रही है या सही दे रही है, इसकी प्रेसिडेंट कब रखी गई थी, इसकी प्रेसिडेंट कब खत्म की गई है, उसके लिए क्या सीरियस चार्ज हुई हुई है? तो आज लीडर्स ये क्यों समझते हैं इमरान खान साहब समेत कि उनके लिए आईन की अलग तशरीह हो, उनके लिए कानून की अलग हुक्मरानी हो? और मतलब ये कहते हैं दो नहीं एक पाकिस्तान, नहीं एक नहीं है, दो पाकिस्तान नहीं है, और ये एक पाकिस्तान ही ना, चार चार पाकिस्तान है। हम तो कहते थे स्टेट वर्सेस स्टेट, जहां तो हर कोने पे रियासत बन गई है। जहां तक दहशत गर्द तंजीमों का इमरान खान साहब के हवाले से इल्जाम है, मैं इसकी तस्दीक करती हूँ। इस पर आप मुझसे आप मैं बहुत बैलेंस रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये जिस हद पर ही चले गए हैं उससे वापसी भी नामुमकिन है। और ये दे विल हैव टू आंसर फॉर देमसेल्फ। ये असला बरामद हुआ है, आपने दीवारें तोड़ी है, आपने दरवाजा तोड़ा है, आपने या तो ये जैसा कह रहे हैं चार दीवारी का आपने तकद्दुस इस्तेमाल किया है चादर और चार दीवारी का, तो ठीक है, टेक द ये भी मामला कोर्ट ले जाइए। और क्या रह गया इस मामले में? मतलब वही तो पार्लियामेंट का जिक्र खैर आप सुन रही है, कहीं आप आइन की बात सुन रही है, हर मामले को कोर्ट में लेते हैं, हर मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई खामोश ही नहीं होता, अपनी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही, हमें तो सिर्फ कार्पन आज बात। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ही कहूंगी